गाइस, मैं हूं आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट मानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। व्यूअर्स, इस वक्त हम हैं जुलानी पार्क में और यहां पे आपको पता है एक फेस्टिवल लगा हुआ है, कल्चरल मेला लगा हुआ है। हम आजकल यहां पर आ रहे हैं क्योंकि बड़े प्यारे प्यारे लोग मिल रहे हैं, फैमिलीज मिल रही है, बच्चे बड़े यहाँ पे इस वक्त शरारती हैं क्योंकि हम हैं झूलों वाली साइड पर। झूले जो हैं वो बच्चों के बड़े फेवरेट होते हैं। बच्चे जब जिद करते हैं पेरेंट्स से कि हमें कहीं लेके जाएं, तो वो यही कहते हैं कि हमें कोई ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ पर झूले हों। और यहाँ पे जो आप अपने बच्चों को लेकर आए, फैमिली को लेकर आए, तो उनका ख्याल रखें क्योंकि शरारत में बच्चे कहीं इधर उधर निकल जाते हैं और फिर पेरेंट्स को परेशानी होती है। तो ये बातें तो हम करते रहेंगे। आज का सवाल मैं आपको बता देती हूँ, हमारे दो सवाल हैं आज के बूझो तो जीतो के। सवाल ये हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि एक सेब को आप दो वालदा और एक बेटी में कैसे तकसीम करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? फरजाना। फरजाना रो क्यों रही हैं? मेरे साथ बहुत जास्ती हुई है जी। क्या जाती हुई है? मेरी थाने वालों ने नहीं सुनी। मैं रोजाना जाती हूँ, थाने में जाती हूँ, हाई कोर्ट। ना तो बंद करें, बुजदिल क्यों हो रही है, सुकून करें। जाती हूँ मैं, मेरी बेटी कैद में है, शहबाज के पास है, वो मुझे मिलने नहीं देते। मैं जाती हूँ, मुझे धक्के देते, मुझे मारते हैं, मैं हॉस्पिटल में दाखिल रही हूँ, मैं अभी भी हॉस्पिटल। क्या करती है बेटी, क्यों कैद में है? वो मिलने नहीं देते, वो नशा देते हैं, उन्होंने नकाह किया हुआ है। तो हमारे घर से चोरी भी हुई है, वो समरीन। और रहती कहाँ है आप? चढ़ पिंड में। अच्छा, चले परेशान ना हो, इजी हो जाए, और रोए मत, रोते नहीं होते, अल्लाह से दुआ करें। आमीन, अल्लाह करे मेरी बेटी मैंने दे दे, मेरी तो जान का टुकड़ा से। अच्छा अच्छा, चलें कोई बात नहीं, इजी हो जाए, परेशान ना हो, रिलैक्स हो जाए, रोते नहीं है। अभी यहाँ पर आई है ना, क्या अपना माइंड फ्रेश करने आई है? मैं हॉस्पिटल आई हूँ, ये देख के मैंने उसने 4 बजे। अच्छा, तो यहाँ जलानी पार क्या करने आई है? ये उसने टाइम दिया तो मैं इधर आ गई हूँ 7 बजे का। अच्छा, 7 बजे का टाइम दिया हॉस्पिटल वाला? हाँ जी, ये देखे मैं हॉस्पिटल में आई। तो ये किस चीज़ का है? ECG किस चीज़ की है? दिल की मरीज है? हाँ जी, मैं बीमार हूँ जी, मेरा बेटा भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ। अच्छा, चलिए रोना बंद करें, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, आप अल्लाह से दुआ करें, मिल जाएगी। करे मैं देखा नहीं है, मेरी झोली है, मेरे ना बड़ी जासी पुलिस सारे ने भी की है, मेरी कोई नहीं सुनना। मैं रोजाना जानी है, कभी हाई कोर्ट जानी है, कभी शिमला पहाड़ी जानी है, कभी मैं IG को जानी है, कभी मैं किधर जानी है, कभी किधर जानी है, मेरी कोई नहीं सुनता। मैं रोजाना जानी है, मैं आज भी थाने चौक आई हूँ। कौन बंदे हैं, कौन लेके गया आपकी बेटी को, किससे क्या ताल्लुक है, कहाँ से हैं, कौन है, पता है कुछ? वो जेड ब्लॉक में रहते हैं, शहबाज अली। वो शहबाज अली ने ब्लैक किए बंदे ने, और ना मेरी कुड़ी ने चरस्ते आहिस्ते ला के तो मेरी बेटी नू लाया गया ने जी। मेरी बेटी पढ़ी लिखी सी, मेरी दिल का टुकड़ा सी, सब तो छोटी 5वीं बच्ची सी मेरी, 5 बच्चियां। मैं बड़ा रोनी हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी तीन नहीं। तो बेटी आना चाहती है? ओ, मुझे नहीं मिलती जी। नहीं, बेटी ने कोई रब्ता किया है? नहीं जी, मैं सब डेरिया पे जाती हूँ, कभी कहाँ जाती हूँ, बिल्ले के पास जाती हूँ, कभी दूसरे बिल्ले के पास। नहीं, ये लोग हैं कौन, कौन लोग हैं ये? ने बंदे ने मनछा मनछा लखू ओंदा पांजा शबाज ओना दे घरों निकाह नामा निकलिया जी। उस बाद मेरी बच्ची नहीं मिली, मैं एक बार गई हूँ, मैंने ना कुटिया है, रजिया ते रजिया दी माँ बानो ते मुंडे ने सारा मेरा गेड़ बेड़ा गर्क कर दिता, मैंने मंजी ते सट दिता जी। मेरी किसी ने सुनी, मैंने 7-10 महीने हो गए ने धक्के खादी नू, किसी ने सुनी। समरीन ने, समरीन ने मियाँ तफीक ने, रियाना ने। कौन है ये लोग? ने बंदे ने मेरा समान सारा चाह लिया। ये लोग कौन है जिनके नाम ले रही हैं? कोठी वाले ने जी। अच्छा, चले आप परेशान ना हो, अल्लाह मदद करेंगे, अब आपने बता दिया है, और अल्लाह करे आपकी कोई मदद हो सके। ने सारा कुछ मेरे को लेगा, तो ले सकते जे। अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप परेशान ना हो। व्यूअर्स, आई होप आपने इनको सुना होगा, बड़ी दुखी लग रही हैं। आपको पता है कि इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को हैं, जो लड़कियों को नशों पे लगा देते हैं और फिर उनको कैद कर लेते हैं, और कुछ पता नहीं चल रहा आजकल की जनरेशन कहाँ जा रही है, ना माँ बाप का पता लग रहा है, ना बच्चों का पता लग रहा है।
हमारे शो में इस तरह की बातें होती नहीं है, लेकिन वो चूंकि बहुत मजबूर लग रही थी तो हमने सोचा कि इनसे बात कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? मेरा नाम राजा अहमद। राजा अहमद राजा जी, कहाँ के? अपने घर का। अपने घर के। अच्छा, क्या करने आए हो और क्या करते हो? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, तो अकेला आया था। तो अकेले आए हो? जी। अम्मी अबू ने जाने दिए? जी। क्यों? वो गए हुए हैं। जरा क्या अम्मी कहाँ गए हुए हैं? वो गए हुए हैं। कहाँ? शादी पे। शादी पे? और तुम्हें नहीं लेकर गए? नहीं, मैं खुद नहीं गया, मेरा मैच था हार्ड बॉल का, तो मैं इसलिए यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, यानी मैच में इंटरेस्ट, क्रिकेट में इंटरेस्ट है। जी। तो मुझे ये बताओ कि अम्मी अबू खुद शादी पे रोटी खाने चले गए हैं, तुम्हें छोड़ गए, अब क्या कैसे खाना कैसे खाओगे? मेरे पास पैसे हैं। पैसे हैं कितने? मेरे पास 1300-1400 रुपए है। वाह, 1300-1400 रुपए में क्या करोगे? वैसे ही कुछ नहीं, अभी तो खाना खा के हैं बाहर से। अच्छा, बाहर से क्या खा कर आए हो? नान कबाब। ही हो नान कबाब? तो अकेले कैसे, अकेले भी कोई जिंदगी होती है, अकेले भी कोई इंजॉयमेंट होती है? जी। क्या इंजॉयमेंट होती है? बस इधर तो देख लिया लड़की, कोई तो एक साथी चाहिए होता है ना? नहीं, बस अकेले ही काफी है, लड़कियों वगैरह को देख लेते हैं तो। अच्छा अच्छा, लड़कियों को देख लेते हो, थप्पड़ तो नहीं खाना? नहीं नहीं। बेटा मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारी उम्र है बहुत छोटी जी। अभी तुम हो छोटे जी। तो छोटे ही रहो। ठीक है ठीक है। क्या करके दिखाओगे आज? जो मर्जी। डांस कर लेते हो जी? कैसा वाला? जैसा मर्जी का। माइकल जैक्सन वाला डांस कर लेते? नहीं। भंगड़ा डाल लेते हो जी? चलो डालो भंगड़ा। डालो? हाँ डालो। बगैर म्यूजिक के भंगड़ा डाल रहे, बस करो भाई, पागल लग रहे हो। मुझे ये बताओ, हमारा आज की पहेली है कि एक सेब है जी। सेब है एक जी। सेब, ठीक है। सेब को दो वालदा और दो बेटियों में कैसे तकसीम करोगे? आधा आधा करके। वाह क्या बात है, यही अकलमंद हमें बंदा चाहिए था। गलत जवाब। No! मुझे ये बताएं कि अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है? गर्म करने पे जम जाती है चलो सही है। कितने नंबर आते हैं पेपर्स में? पेपर्स में तकरीबन 8 में आए थे, 100 में से 70 प्लस ही आए थे। अच्छा, ये नहीं, कभी फेल हुए हो? नहीं, कभी नहीं हुए फेल। कभी भी नहीं हुआ। क्रिकेट खेल रहे हो आजकल जी? जो भी इतने मैचेस पाकिस्तान हार गया जीत गया, कैसा लगा? बहुत बुरा लगा। बहुत बुरा लगा। क्या मैसेज देना चाहते हो? बस कुछ नहीं, मैसेज दे दो, हंसी जा रहे हो, मैं कोई ऐड करवा रही हूँ तुमसे, कोई पैगाम दो, कोई अच्छी बात बताओ। बस पाकिस्तान की टीम को सलूट, आप क्या कर सकते हैं, वो हार के वहाँ से इंडिया में बिस्ती करा के वापस आ गई है। बहुत दुख हुआ। बहुत दुख हुआ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, उन्हें साथ लेके जाना चाहिए था। आपको साथ लेके जाते? पाकिस्तान टीम अगर मुझे देख रही है इस वक्त, तो मैं इंतहाई शर्मिंदगी से कहना चाहती हूँ कि इसको ज़रूर लेकर जाए, क्योंकि ये बच्चा बहुत मोटिवेटेड लग रहा है। पहले खेल तो लो, अंडर 18 कौन सा होता है? अंडर 19 अभी तो खेला नहीं, अभी खेलना है। अभी खेलना है जी। चलो ठीक है, खेले, अब रात भी हो गई है, ठंड भी हो गई है, कुछ पहना भी नहीं हुआ जी। और निकलो, जाओ कहीं, घर जाओ अब। अभी तो वैसे ही जरा घूमना फिरना थोड़ा सा। मुझे लगता है अम्मी अबू जो है ना, वो चाहते थे हम अकेले टाइम स्पेंड करें और चले जाएं। नहीं, वो बहन भाई भी साथ ही गए हैं। बहन भाई भी गए हैं, आपको नहीं लेकर गए? मैं खुद ही नहीं गया। आप मिडिल चाइल्ड हैं जी, दरमियान वाले हैं जी। चलें कोई बात, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। जय झूले लें। व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इस तरह हमें शरारती बच्चे मिल जाते हैं तो मेरा भी दिल करता है कि इनके साथ थोड़ी सी हम शरारत कर लें। जवाब तो हमें नहीं मिल सका, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और लोग हैं बात करने के लिए। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं जी मिसेज अकील, अमरीन। मिसेज अकील, अमरीन नाम है। अमरीन का मीनिंग क्या है? फूल। फूल कौन सा वाला? किसी भी फूल की खुशबू को कहा जाता है, वैसे किसी फूल से रिलेट नहीं है इतना। लेकिन अमरीन करती क्या है? हाउस वाइफ है। अमरीन हस्बैंड के साथ आई हुई है? जी, हस्बैंड के साथ आई। हस्बैंड की मोहब्बत का अंदाजा ये है कि आपकी वीडियो बना रहे हैं, घर में भी आपको देखते हैं, कैमरे में भी आपको देखना चाहते हैं। उनकी बर्थडे है आज, तो इस ओकेजन पे हम लोग आए थे। और मैं उनको, कितने साल के हो गए हैं? माशाल्लाह 30+ हैं। हंसी क्यों है अमरीन आप? 30+ हैं तो क्या हुआ? मैं क्या है, आप कितनी प्लस हैं? मैं 20 होंगी। ये एक झूठ है, फिर मैं तो अभी पैदा ही हुई हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तो अभी पैदा ही हुई हूँ, मुझे हॉस्पिटल से लेकर आए शो कर ले। मुझे ये बताएं कि आप अमरीन हाउसवाइफ हैं, आप अपने हस्बैंड को विश करना चाहती हैं। करें जी विश, लेकिन उनकी दो तारीफों के साथ उन्हें विश करना है जी। हैप्पी बर्थडे टू यू अकील साहब, और स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी ऑलवेज,
और बहुत कोऑपरेटिव और काइंड पर्सन है, कोऑपरेटिव एंड काइंड। अरे वाह क्या बात है, आप हैं काइंड, दो क्वालिटीज हैं, अभी बाकी बेशुमार हैं। बाकी बेशुमार हैं, क्या बात है। अमरीन शादी से पहले क्या करती थी, पढ़ती थी? हाँ जी पढ़ती थी, जॉब भी कर रही थी, जॉब टीचिंग करती थी, टीचिंग कर रही थी। आपके ना लहजे से पता लग रहा है कि आप जो है कोई वर्किंग वुमन नहीं हो, तो आप क्यों नहीं कर रही हैं? बस अब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे, मेरा ख्याल है करना चाहिए स्टार्ट, है ना। अच्छा मुझे बताएं, हमारा आज का सवाल है, एक सेब है उसको हम दो वालदा और दो बेटियों में कैसे तकसीम करेंगे? दो वालदा और दो बेटियों में नो आईडिया। क्या आपके मियाँ आपका मजाक उड़ा रहे हैं? अभी आप इनकी इतनी तारीफें कर रही थी। दोनों वालदा बेटियां ही है ना, तो हाफ हाफ हो गया। No! क्या रिश्ता हो गया ये बता दें चलें। माँ बेटियों का? हाँ जी जी नहीं गलत जवाब। अच्छा ये आप कोई पैगाम देना चाहती हैं ख्वातीन को जो आपकी तरह घर में ही बैठी हुई हैं, टैलेंटेड हैं? हाँ जी मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि स्टेबिलिटी लाएं अपनी लाइफ में सब, और मोटिवेशन लेके आगे बढ़ें हमेशा, और स्पेशली इस वक्त जो ये वक्त जा रहा है पाकिस्तान में, पूरी मुस्लिम उम्मा में, तो फ़लस्तीन के लिए दुआ करें सब लोग, क्योंकि उन्हें हमारी दुआओं की ज़रूरत है। इसके अलावा हम किन चीज़ों का बायकॉट कर रही हैं? यस डेफिनेटली कर रहे हैं, और चाहेंगे भी कि लोग करें, लेकिन जो नहीं कर रहे उनको देख के दुख होता है, मुस्लिम्स ही हैं जो कि नहीं कर रहे, तो इनमें यूनिटी होनी चाहिए हम में, तो उनको फॉलो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कम्प्लीटली बाइकआउट करेंगे तो उनको लॉस होगा, अदरवाइज तो हम उनको फ़ायदा दे रहे हैं। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू अमरीन, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स बड़ा मज़ा आया अमरीन से बात करके, एक तो उनके हस्बैंड का बर्थडे था, उन्होंने बर्थडे विश किया, और सेकेंड ये कि उन्होंने फ़लस्तीन के लिए एक पैगाम दिया है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को सपोर्ट करें, और इसराइल की जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जाने वो कौन सी है, और उनका बायकॉट करें, और मैं भी कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो इस वक्त मुझे लोग देख रहे हैं और तमाम मुसलमान, चाहे वो मुसलमान हैं या नहीं, वो भी उनका बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटी बहुत ज़रूरी है। ये तो सब अलग हो गई ना बातें कि कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कौन हिंदू है, लेकिन इंसानियत सबसे पहले आती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी बात से आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मॉरिस। मॉरिस। नो मॉरिस। मॉरिस। अच्छा मॉरिस कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे? ठीक है। यहाँ पर आए हुए झूले लेने? नहीं, फिर एंजॉय करने आए हैं। एंजॉय करने झूलों वाली साइड पे? हाँ जी यहाँ पे एंजॉय करने। अच्छा टॉप्स आपने पहना हुआ, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। दर्द नहीं हुई थी पिरसिंग कराते हुए? नहीं नहीं हुई थी। लड़कियों को तो बहुत दर्द होती है पिरसिंग कराते हुए, वो ड्रामे होते हैं। लड़कियाँ ड्रामा होती है? ड्रामे करके इससे बड़े ड्रामे होते? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बताएं कि मर्द को दर्द होता है? होता है। अच्छा कहाँ? सर में? सर में बहुत ज्यादा। दिल में तो कभी भी नहीं हुआ? मर्द बड़ा जालिम है? नहीं होता है। मर्द जालिम है? हाँ मुझे मर्द जालिम है? नहीं जालिम नहीं, मर्द को भी दिल में दर्द होता है। दिल में दर्द होता है, हार्ट वाला दर्द होता है, या वैसे कोई सदमा लग जाए? सदमा ही लग जाता है। सदमा ही लग जाता है। शादी हो गई है? नहीं अभी कहाँ पे, अभी नहीं हुई है, सर्दियों का मौसम आ गया, कर लें शादी? अभी 18 साल उम्र है। 18 साल अभी तो आप बहुत छोटे हैं। तो आप मुझे बताएं कि और लाइफ के गोल्स क्या थे, क्या करना चाहते थे? पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं। क्यों, पाकिस्तान में क्या बुराई है? पाकिस्तान में रह क्या गया? पाकिस्तान में तो आप माशाल्लाह काफी रूल्स तोड़ लेते हैं। नहीं तोड़ लेते हैं, इसलिए तो छोड़ना है, इसलिए छोड़ना है। मतलब रूल्स वाले इंसान है आप, ऑर्गेनाइज्ड हैं। हाँ जी। सवाल है हमारा फिर, बताएं वो कौन सी ऐसी चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है? गर्म करने पर जम जाती है चीनी। चीनी तो गर्म करने पर मेल्ट हो जाती है, तो सॉलिड बन जाता है बाद में? नहीं ना, वो उस वक्त जम जाती है, फौरी फौरी जम जाती है। अगला सवाल। अच्छा अगला सवाल, एक सेब दो वालदा और दो बेटियों में कैसे तकसीम करेंगे? इसके 4 पीस कर लो। नहीं गलत जवाब, सेब पसंद है? हाँ जी। सेब के क्या फायदे हैं? ये नहीं पता, बस खाने में पसंद है। मतलब लोग हमारे आजकल के ये हैं कि बस खा लो, नहीं पता कि वो क्या अच्छा है सेहत के लिए, क्या अच्छा है क्या नहीं है, है ना? इसका नहीं पता बस। सही है, टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे, आपने बोलना है कच्चा पापड़ पका पापड़, तेज तेज बोलना है। कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़। अच्छा जी जबरदस्त हो गया। कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम सुनना किसने मेरा पैगाम? सुन लेंगे, इतनी आवाम देखती है? नहीं देखती आप मुझे? है नहीं देखती? नो
नहीं देखती हमारा प्रोग्राम, आप व्यूअर्स हमें देखते हैं, मुझे नहीं कहाँ देखना। हाँ आपको क्या देखना है, क्यों नहीं देखना, जब हम आपको प्रोग्राम में ले रहे हैं तो आपको देखेंगे ना लोग। आगे स्किप ही होना मैंने। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कोई पैगाम, कोई अच्छी बात करना चाहें बताएं ना। अच्छा पैगाम ये है कि मैं पहले भी मैंने एक इंटरव्यू दिया है तो उसमें मेरे से पूछ रहे थे कि दिवाली मनाई जा रही है पाकिस्तान में, तो कह रहे इस पे बैन लगा दिया उन्होंने, जबकि नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान में रहते हुए सबको हकूक मिलने चाहिए, जो भी यहाँ पे रहते हैं उनको अपना जो त्यौहार है वो मनाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, समझदार हैं आप। हाँ जी है ना, समझदारी वाली बातें करते हैं। स्टडी क्या किया हुआ है? स्टडी FSC कर लिया। आगे डॉक्टर बनना है? नहीं। FSC में पास हो गए हो कि नहीं आप? पास हो गए हैं। पास हो गए हैं, कितने नंबर से? 983 है। 983, अरे इतने अच्छे नंबर, इससे आगे नहीं ना कुछ करना। जबरदस्त, तो फिर यूनिवर्सिटी में जाया करने और कुछ भी नहीं होना। यूनिवर्सिटी में वैसे यूनिवर्सिटी की लाइफ अच्छी होती है, कॉलेज की स्कूल की होती है, यूनिवर्सिटी लाइफ है, लेकिन वहाँ तक जाना नहीं है। यूनिवर्सिटी लाइफ में तो जाके फिर जब यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं तो फिर शादियाँ ही कर लेते हैं लड़के, इसलिए ना यूनिवर्सिटी करनी। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इन्जॉय करें, झूले वूले ले लें आप भी, ठीक है, थैंक यू। व्यूअर्स आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, बड़ा अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम भूजो तो जीतो, इस वक्त हमें जुलानी पार्क में, और चलिए बढ़ते हैं लोगों की तरफ, उनसे बात करते हैं, बहुत मजा आ रहा है, ठंड है और इंजॉय कर रहे हैं लोग मौसम को भी और प्लेस को भी, तो चलिए बढ़ते हैं उनकी तरफ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम? अली नाम है। आपका क्या नाम है? हरीम फातिमा। प्रिटी गर्ल। आपका क्या नाम है? मीर वासिफ। मीर वासिफ, कौन सी क्लास में है? क्लास 2 रैंक। क्लास 2। आप? क्लास 5। आपका क्या नाम है? बड़े गुस्से से देख रहे हो आप। अब स्माइल आ गई है ना, क्या नाम है इनका? मोहम्मद। क्या नाम है, मुंह से बोलो बेटा, मोहम्मद। अच्छा जी मोहम्मद, हम मोहम्मद अभी मूड में नहीं है, बच्चों को लेकर आए हुए हैं, बेगम भी आई हुई है। जी आई हुई है। जबरदस्त, तो टाइम निकाल लिया आज फाइनली? हाँ जी निकाल लिया, फाइनली निकाल लिया है। बाबा है ना आपके? जी। बाबा ने आज कैसे टाइम निकाल लिया? जी वो रेस्ट ले ली। अच्छा ठीक है, चले मुझे बताएं, आपने बताया आप क्लास में पढ़ती हैं, आपसे सवाल कर लेते हैं हम, हमारा आज का सवाल है, मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम जब गर्म करते हैं तो वो जम जाती है? एग। आपको ये पहले से आता था जवाब? यस। फिर कैसे? इसने भी सोचा तो हमने सोचा, तो कहते हैं एग को जब हम गर्म करते हैं तो जम जाता है। अरे वाह क्या बात है, क्लैपिंग करें, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेरी नाइस। कुछ सुनाना चाहेंगी आप? मिली नगमा आता है कोई आपको? जी सुना दें कोई मिली नगमा। मुझे मुझे नहीं आता। आपको आता है? नो मिली नगमा नहीं आता, आप सुना दें कुछ सूरत के लिए। औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आप साथ खड़ी हूं, आप मुझे बताएं आप करते क्या हैं? ट्रैफिक वार्डन। ट्रैफिक वार्डन है, अच्छा आप वही हैं जिनको सारे लोग धमकियां लगाते हैं। सही है। ज्यादातर क्या धमकी मिलती है? बेल्ट उतरवा देंगे आपका। अच्छा फिर आप क्या कहते हैं? हम मुस्कुरा के जवाब देते हैं, जो उतरवा दें कोई बात। अच्छा ये वैसे ये वाली नौकरी भी बड़ी टेम्परमेंट वाली नौकरी है। जी ऐसा ही है। तो फिर कभी ऐसा होता है घर से किसी बात का स्ट्रेस हो, गुस्सा हो और आपने पकड़ लिया हो, आजा भाई? नहीं ऐसी बात नहीं है। ज्यादा आप लोग क्या बाइक वालों को रोकते हैं, गाड़ियों वालों को, या इक्वल? नहीं इक्वली ही ट्रीट करते हैं इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि ये क्या होता है, क्योंकि हमारे सुनने में आता है कि जब साल का एंड होता है तो पता नहीं कुछ मुकम्मल करने होते हैं, ये क्या होता है? ये सिर्फ एक परसेप्शन है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारे जो ज़्यादा होता है, हाईलाइट हो रहा होता है, जो बर्निंग सिचुएशन हो रही होती है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे होते हैं। गर्मी में आप लोग इतनी नौकरी कर रहे होते हैं, सर्दी में इतनी नौकरी कर रहे होते हैं, तो बड़ी हिम्मत वाली बात है, हमारी तरफ से तो आपको सलाम है। और दूसरा कोई पैगाम देना चाहते हैं आवाम को जो तड़ियाँ लगाते हैं, धमकियाँ लगाते हैं? कोई बात नहीं जी, वो भी हम में से हैं, हम उनमें से हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम भी ये कहते हैं जियो और जीने दो, कोई ऐसा मसला नहीं, खुश रहें।
बढ़िया, आप इखलाक वाले वार्डन लग रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। और ट्रैफिक वार्डन है, आपको पता है इन लोगों की जो नौकरी है वो बड़ी टफ है, गर्मी में भी और सर्दी में भी, तो इनकी रिस्पेक्ट करें। और अगर ये आपको रोकें तो प्लीज़ रुक जाएं, क्योंकि ऐसे ही कोई चलान नहीं काटता, जैसे उन्होंने बताया कि गलत परसेप्शन है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी लोग खड़े हुए उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? सैयद हसन शाह। आपका? अरसलान। क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं अभी। हम पढ़ते हैं, हम और कौन? हम और ये स्टडी करते हैं। अच्छा, आप दोनों पढ़े हैं? दोनों आपस में दोस्त हैं? हाँ जी, पीएमए लॉन्ग कोर्स कर रहे हैं। वेरी नाइस। मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है? गर्म करने पर जम जाती है, गर्म जम जाती है, घी नहीं, गर्म करने पर वो मेल्ट हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है ना। नहीं, वही तो सवाल तो सुने ना, वो कौन सी ऐसी चीज है जो गर्म करने पे जम जाती है, घर में किचन की चीज है? अरे खाने वाली चीज है। अंडा। अंडा। हाँ, इतना हिंट मैंने दिया है। बनाया है कभी अंडा? अंडा बनाया है। बनाया है? कौन सा बनाया है? जो घर में होता है। आप फ्राई ऑमलेट कौन सा बनाया है? ऑमलेट बनाया। आपने? ऑमलेट ही। कुकिंग कर लेते हैं? हाँ कर लेते। क्या बना लेते हैं? बिरयानी बना लेता हूँ। बिरयानी बना लेते हैं? खाने की सालन वगैरह सारा कुछ। यहाँ हॉस्टल में रहते हैं? हाँ, अभी मुझे मंथ हुआ है हॉस्टल का, वरना पहले घर में रहता था। कहाँ पे थे पहले? पहले डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा। उकाड़ा से ताल्लुक है आपका भी? नहीं, मेरा कसूर डिस्ट्रिक्ट कसूर से। कसूर से। लाहौर के लोग कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। काफी इंटरेस्टिंग है? क्या इंटरेस्टिंग है, उल्टे हो जाते हैं? नहीं नहीं, सीधे सीधे हो जाते हैं। अच्छा, आप सीधे हो गए लाहौर आके? जी सीधे हो गए। क्या बनना चाहते हैं, लाइफ के गोल्स क्या हैं? हम पीएमए लॉन्ग कोर्स कर रहे हैं आर्मी का, इंशाल्लाह फ्यूचर लेफ्टिनेंट है। सेकंड फ्यूचर अच्छा है, मुस्तकबिल अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दोनों क्या मैसेज देना चाहते हैं आवाम को, देखने वालों को? बताओ जनाब। आवाम को बस ये आजकल क़यामत की निशानियाँ ही यहाँ पे नज़र आ रही हैं जिसको। अच्छा, सही सही। क़यामत की निशानियाँ क्या हैं? ये जो माहौल बना सामने, आप हमारे सामने एक क़यामत की निशानी। अच्छा, मैं क़यामत लग रही सही नहीं, मतलब लाहौर में जो स्मोग है तो इस वजह से थोड़ा एहतियात। क़यामत आ गई है? नहीं, क़यामत का मतलब है मेरा और मतलब है। सही सही, मुझे ये देखे क़यामत कह रहा है। ठीक सही है। तो गुनाह और वो कर ली है, सारे सवाब कमा लिए? जी बिल्कुल, क़यामत करीब आ गई है ना। जी जी, पता नहीं लगेगा क्या होगा, अमाल पलड़ा कौन सा भारी होगा, दोजख में जाएंगे जन्नत? जी जी, जन्नत में जाएंगे दोजख में, क्या लगता है? इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। नो, इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, बाकी अल्लाह की मर्जी। तो आप मुझे बताएं कि अभी उकाड़ा से हैं, उकाड़ा की फेमस चीज़ क्या है खाने पीने में? उकाड़ा की उकाड़ा की हिस्टोरिकल प्लेसेस काफ़ी हैं। कौन सी, कहाँ कहाँ? हर सिटी में ही है तकरीबन, जैसे फोर्ट हैं काफ़ी जगह। अच्छा। उकाड़ा में आप पाकिस्तान में कहाँ कहाँ घूमे हुए? मैं अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट घुमा हुआ हूँ, उसके अलावा लाहौर घुमा हुआ हूँ, मरी वगैरह, इधर नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न एरियाज भी गए हैं। तो अभी ये झूलों वाली साइड पे झूले लेने आए हैं? नहीं, हम वैसे रनिंग करने आए थे तो इस वजह कर लिए रनिंग। कितने किलोमीटर भाग लिए? 2 किलोमीटर या 3 बस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त, बहुत अच्छा लगा क़यामत से बात करके। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। और जैसे कि उन्होंने बात की कि लग रहा है कि क़यामत आ गई है, और पता नहीं कहाँ आई है क़यामत, हम बढ़ते हैं चलते हैं। इट गिट बहुत प्यारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयदा ज़हरा। ज़हरा, इतनी खूबसूरत ग्लोई स्किन का क्या राज है, मेकअप या नेचुरल? नेचुरल ही है, और उसके बाद नहीं, लेकिन मेकअप भी, उसको मेकअप भी है, क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ लोगों का मेकअप किया होता है तो पता लग रहा होता है, जैसे मेरा इस वक्त यकीनन पता लग रहा है, बट आपका बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि आपने मेकअप किया हुआ है। जी जी, थोड़ा थोड़ा तो किया हुआ है। क्या राज है इस नेचुरल ब्यूटी का, जीन्स में है या फिर कुछ यूज़ करती हैं? हस्बैंड की मोहब्बत है। हस्बैंड की मोहब्बत से फेस पर ग्लो आता है? आता है। क्या नाम है मियाँ का? मेरा आर्मी में है हस्बैंड, कर्नल असद। मैंने कहा 2 मिनट के लिए शायद आप भूल गए हैं, क्या नाम था? कर्नल असद। अच्छा, यानी कि वो यहाँ नहीं होते इसलिए भूल गए आप? हाँ,
हम लोग इधर ही CMH में पोस्ट है। CMH में पोस्ट है, अच्छा जी। तो अब मुझे बताएं कि वो सारे आप इंजॉय कर रही हैं जो फैसिलिटीज मिलती हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय कर रही हैं। कर्नल साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आए हैं आपके साथ? नहीं नहीं, टाइम नहीं होता उनको। टाइम नहीं होता क्या? क्यों क्यों टाइम नहीं निकालते? वो होते हैं ज़्यादातर पेशेंट्स वगैरह के साथ, डॉक्टर हैं। जी जी। मुझे बताएं कि आप मिस तो फिर करती होंगी, कहीं पे जाना होता होगा फिर कहती होंगी कि मैं साथ में खुद ही आई हूँ अकेली। प्यार से आप उन्हें कर्नल साहब बुलाती हैं या डॉग साहब बुलाती हैं? कुछ भी नहीं, असद। असद नाम। अच्छा, हमारे बड़े बूढ़े हैं ना जो कहते हैं बेटा शोहर को नाम से नहीं बुलाना। नहीं नहीं, नाम से ही बुलाते हैं। अच्छा, नाम से। वो आपको कैसे बुलाते हैं? मेरे नाम से। नाम से बुलाते हैं, कोई प्यार से नाम नहीं करते? परी कुछ जान मोहब्बत जाने मन कह रहे ना, गिर नहीं रही मोहब्बत। अच्छा, गिर नहीं रही है मोहब्बत। कितने साल हो गए शादी को? माशाल्लाह से 15 years। 15 years। तो आपको उनकी क्या बात है जो बहुत अच्छी लगती है? कुछ खास नहीं। अभी कह रही है कि मियाँ की मोहब्बत का ग्लो है, सोचना पड़ेगा ना। वो सोचे क्या? ये तो फिर आप हमारे जो कर्नल साहब हैं उनको नाराज कह रही हैं फिर आप? नहीं नहीं, बस रोमांटिक नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो रोमांटिक? आप कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाएं आपको? वो तो मैं लेके जाती हूँ, वो लोग नहीं। वो नहीं नहीं है, यानी कि वो ड्राई हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। ये मतलब उनकी बैड हैबिट है? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, बैड हैबिट है। बच्चे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ हैं सारे? वो जंपिंग कैसल पे। अच्छा, वो जंपिंग पे हैं। तो आपने कहा थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड कर लूं। मैं छोटी सी अपने लाइफ एक्सपीरियंस से एक हैप्पी मैरिज की क्या एडवाइस देंगी? कि थोड़ा चुप रहना सीखना चाहिए। अगर हस्बैंड बोल रहा है तो फिर वाइफ को चाहिए कि वो चुप रहे, और अगर वाइफ थोड़ा सा गुस्सा कर रही है तो हस्बैंड को भी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंड करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आजकल एक बुक भी पढ़ रही हूँ, वो इसी से रिलेटेड है, आप भी ज़रूर पढ़िएगा। उस बुक का नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो आपने ये ज़रूर पढ़नी है, और रिलेशनशिप पे ये है, आपकी बर्दाश्त का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, वो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी वुमेंस में यानी कि वाइफ्स में बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा ठीक है जी, चले। मैं हमारा सवाल है, जाते जाते आपसे सवाल करूँगी। सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है? गर्म करने पर जम जाती है किचन की चीज़ है, गरम करने पे जम जाती है। नाश्ते में इस्तेमाल होती है अक्सर एग, ऑब्वियसली। इतना आप मैंने जब मैं इतना क्लोज हिंट दे देती हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं आपको ऐसे भेजूँ, मुझे था कि आप जवाब दे लें। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आई होप आपने इंजॉय किया होगा और बड़ा मज़ा आया इनसे बात करके। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ख्वाजा मोहम्मद नासिर। अच्छा, क्या करते हैं? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में होते हैं। बताएं मुझे कि इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? बस आए हुए थे भावलपुर से। भावलपुर से आए हुए? अरे ज़बरदस्त, भावलपुर तो बड़ा खूबसूरत शहर है। अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर के लोग कैसे हैं? लाहौरी जैसे हैं, जैसे सुना है वैसे तो नहीं है, लेकिन अच्छा कोऑपरेट करते हैं। क्या सुना है और कैसे हैं? कि लाहौरी ठगबाज होते हैं, बताते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छा पाया मैंने। अच्छा, वो मुझे लगता है मैंने आपको थोड़ा सा डराया तो आप डर गए। नहीं नहीं नहीं, डरना नहीं है, ऐसे कोई डर वाली बात भी नहीं है। चले, हमारा सवाल है आज का, मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है? गर्म ठंडे पर जम जाती है, गर्म ठंडे पर जम जाती है, गर्म ठंडे पर आइस है? नहीं, गर्म करने पे वो पानी बन जाता है, आइस कैसे हो सकता है? गर्म ठंडे पे जम जाता है। अच्छा सवाल है दूसरा हमारा, तीन सेब हैं, दो वालदा और दो बेटियों में कैसे तकसीम करेंगे? तीन सेब, दो वालदा हैं, दो बेटियां हैं, कैसे तकसीम करेंगे? उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे काट। नहीं, गलत जवाब हो गया ना। क्या पैगाम देना चाहते हैं लाहौरियों को? लाहौरी माशाल्लाह बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। यहाँ पे किसके यहाँ रुके हुए हैं? यहाँ पे हमारे दोस्त हैं अपना शादमान में। अच्छा, अब आपको वेलकम अच्छा किया उन्होंने? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया है। ज़बरदस्त, जब हम भी कभी भावलपुर आएँ तो हमें भी अच्छा प्रोटोकॉल देंगे आप? ज़रूर देंगे, आप खिदमत का मौका दें, ज़रूर हम हाज़िर हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। भावलपुर से इनका ताल्लुक था और लाहौरियों के बारे में कमेंट किया है उन्होंने, और वो ये कि लाहौरी ठगबाज होते हैं।
तो ऐसा है या नहीं है ये आपने बताना है। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो लाहौर न्यूज, स्टे विद अस। चुके हैं वापस, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। इस वक्त मैं जलानी पार्क में, हमारा आज का जो सवाल है वो मैं आपको बता देती हूँ। सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि एक सेब है उसको आप दो वालदा और दो बेटियों में कैसे तकसीम करेंगे। और चलते हैं, बढ़ते हैं लोगों की तरफ, बात करते हैं उनसे। आइए मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मैं मशबाज। मशबाज साहब क्या करते हैं? हाँ जी, वर्कमैन है। वर्कमैन है, ठीक है। ऐसे झूठे लेने आए हो? नहीं, हॉस्पिटल आए थे। हॉस्पिटल आए थे? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं फिर? यहाँ से वैसे गुजरे गुजरते हमने चेक करने के आए, ये क्या मैटर है। अच्छा, क्या मैटर हो गया? अच्छा लगा आपको ये मैटर जो भी है? हाँ जी, ये अच्छा मामला तो बहुत। हॉस्पिटल क्यों गए हैं? बीमार हैं? बच्चा बीमार था, एडमिट था ना। क्या हुआ बच्चे को? टाइफाइड हो गया था, बिगड़ गया, हो गया है। देखें व्यूअर्स, ख्याल रखें, मौसम जो है वो ठीक नहीं है और निमोनिया भी हो रहा है, टाइफाइड भी हो रहा है। आपके साथ बचपन में कोई दिलचस्प वाकया पेश आया हो, आप ऐसी जगहों पे गए हो कहीं पे? बहुत जगह पे जाते रहे हैं वैसे। अच्छा। हाँ जी, और से ताल्लुक है? नहीं नहीं, शक्कर नारोवाल। नारोवाल से? अच्छा जी, नारोवाल की मशहूर चीज क्या है? चावल मशहूर चीज है। चावल, बासमती चावल? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, घर में तो आपकी बोरियां होंगी? हाँ जी, अभी काश्त शुरू हो गई। अच्छा, अभी हुई है। चले आप पंजाबी में बात कर ले, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, कोई गल नहीं, ठीक है। सवाल है हमारा, वो कौन सी ऐसी चीज है जो गर्म करने पे जम जाती है? जो गर्म करने में जम जाती है? सही बात है। चावल ही ने? नो। तुसी चावला जो बाहर आ दो थोड़ा जा। कौन सी ऐसी चीज है जो गर्म करने में जम जाती है? समझ नहीं आ रहा। गर्म करिए जम जाती है। किचन वाली चीज है, सुबह नाश्ते में इस्तेमाल होती है। अंडा? ये बात। तालियां बजाएं जी अपने लिए। तालियां बजानी है, आपने सवाल का जवाब दे दिया है। सही दिया, गलत दिया है? सही दिया है। चलो ठीक है जी, दवा आप ही मारो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, मेहरबानी, थैंक्स। व्यूअर्स, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ, बहुत ही क्यूट थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? निशान। निशान क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब? हाइनो लेबोरेटरीज। मुझे बताएं, अभी आए हैं यहाँ पे फैमिली के साथ आए हैं या अकेले आए? मैं अकेला आया। अकेले ही रहते हैं ज्यादातर? ज्यादातर, गुड। वो कौन सी ऐसी चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है? उन्होंने तो अंडा गया, लेकिन अंडा नहीं है वो। No! अंडा नहीं है, सही बात है, यही बात है, अंडा ही है इसका जवाब। मुझे बताएं, दूसरा सवाल है। चले दूसरा सवाल, इसका जवाब आपको आता था, चूंकि ये आसपास ही खड़े हुए थे इसलिए उन्होंने जवाब सुन लिया। सवाल है हमारा, तीन सेब हैं, दो वालदा दो बेटियों में कैसे तकसीम करेंगे? तीन सेब हैं, दो वालदा दो बेटियों में कैसे तकसीम करेंगे? बेटियों को एक ही दे देंगे, हाफ हाफ, और वालदा को भी एक एक दे देंगे। ठीक है, सेब है? सेब अब आपने बताया है तो अब मुझे क्या क्या पैगाम देना चाहते हैं देखने वालों को? देखने वालों को यही पैगाम देना चाहेंगे कि अपना जो है इस जो मुल्क के जो हालात हैं उसके ऊपर फोकस गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी महंगाई और ये बिजली के बिलों की वजह से हमारे काफ़ी आवाम परेशान है। अब तो सर्दियां आ गई ना, अब तो बिल कम आएंगे। अभी वही है साहब। अच्छा, नहीं आना कम? अच्छा, बिल नहीं आना, वो गैस की तरफ से पूरा हो जाए, वो वही उन्होंने एवरेज अपनी निकाल लेनी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, एक उनका पैगाम ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए ये बिजली जो है वो सस्ती करें, क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो गई है, चाहे सर्दियां हैं चाहे गर्मियां हैं। बात तो वैसे इनकी ठीक है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोग खड़े हैं उनसे देखते हैं वो क्या बताते हैं। आ जाइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फैजान अहमद। फैजान अहमद, फैजान मेरे भाई का नाम भी फैजान है। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली स्टडी भी कर रहा हूँ और कॉल सेंटर में जॉब भी कर रहा हूँ। कॉल सेंटर में जॉब भी कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोलनी होती है। बेसिकली मेरी कंपेन होती है जिसमें हमें टारगेट को अचीव करना होता है और बेसिकली अच्छी है सैलरी। तो ये है कि जिम्मेदारी एक इंसान को होती है कि पढ़ाई के अखराजात ये चीज़ें वगैरह खुद उठाने से ही। सही। फैजान थोड़ा सा कैमरे में देख के ये बातें बोलेंगे तो कितना अच्छा होगा। आप मुझे बताएं कि आजकल के जो लड़के हैं कुछ मैंने देखे हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे, कहते हैं अब्बा का पैसा है, घर में घर वाले कमा लेंगे, बहनें कमा रही हैं, मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहे कुछ लड़के, तो ऐसा क्यों है? बेसिकली मेरा अपने लिहाज से जितना तजुर्बा है कि वो हर एक को अपनी लाइफ को खुद स्टाइल में लेकर आना चाहिए। मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, अपनी लाइफ को खुद इंजॉय करना चाहिए। और इंजॉय में मतलब ये नहीं है कि आप एक गलत रास्ते में जा रहे हो, किसी अच्छे रास्ते में अप्लाई करो और अपने माँ बाप बहन भाइयों को वो जो फ़र्ज़ है उनको पूरा करो। ठीक है, तो आपके कितने फैमिली मेंबर हैं? बेसिकली मेरी 3 बहन भाई हैं। लाहौर से ताल्लुक है आपका? जी मैं मॉडल टाउन से हूँ। मॉडल टाउन से हैं। अभी यहाँ पर क्या करने आए हैं जलानी बाग में फैमिली के साथ? ऑफ डे था और मैंने कहा चलो आज यहाँ पे फन फेयर हो रहा है, कोई फेस्टिवल हो रहा है। फेस्टिवल हो रहा है। अकेले आए हैं दोस्तों के साथ? नहीं मैं अकेला। अकेले आए हैं? अकेले मतलब क्या हो गया आज सबको? क्या कोई तनहाई गुजर रही है या महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है कि खर्चा उठाना पड़ेगा? नहीं बस ऑफ डे होता है कि एक दिन ऐसा होता है कि जिसमें इंसान इंजॉय करता है, घूमता है, फिरता है। एंजॉयमेंट अकेले ही कर रहे हैं? एंजॉयमेंट के लिए तो होता है ना दोस्त वगैरह हो, शुगल लगाएं, कोई शुगल मस्ती हो। बेसिकली मेरी लाइफ में मेरी मंगनी हो चुकी हुई है और मैं मतलब अपनी लाइफ में मैरिड हूँ। ठीक है, आपकी मंगनी हो गई है तो फिर मंगेतर को ही ले आते? नहीं बेसिकली वो स्पेन होती है। स्पेन में होती है। तो मुझे बताएं कॉल सेंटर ज्यादातर रात में होते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं बेसिकली 3 शिफ्ट होती हैं जिसमें मॉर्निंग होती है, इवनिंग होती है, नाइट होती है। नाइट की कौन सी शिफ्ट है? नाइट में बेसिकली ये होती है कि हमारी कंपेन ये होती है कि हमने होटल्स की बुकिंग करनी होती है और जितना हमें टारगेट दिया जाता है उसको अचीव करके ये है कि हमें अच्छी सैलरी पेड की जाती है। कमीशन बेस्ड है? हाँ जी कमीशन बेस्ड। सही है, चले तो हमें मिलती है कमीशन तो उसके साथ ऐड होते हैं। ठीक है, मुझे बताएं आप मुझे इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? नहीं मैं दुखी नहीं हूँ, लाइफ में एंजॉय हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को ये नहीं है कि गलत रास्ते में जाता हूँ, मतलब ये है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, अपने माँ बाप में रहता हूँ। दोस्त अच्छे बुरे इंसान को मिलते ज़रूर हैं लेकिन ये है कि इंसान को चाहिए कि अपना रास्ता खुद चुने और अच्छे रास्ते को खुद अपनाए। ठीक है, चलें मुझे बताएं हमारा आज का सवाल है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है? खीर? नहीं। पतीली? पतीली नहीं। गलत जवाब। क्या पैगाम देना चाहते हैं देखने वालों को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में बेसिकली मंशियात का आजकल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, इसको कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए काफ़ी, कि बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो लड़के तबाह हो रहे हैं जिसकी वजह से अब उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे फौरन एक्शन ले और ज़िंदगी को हमेशा इंजॉय में गुजारें। ये नहीं कि इंसान को मतलब किसी में भी इंटरफेयर करनी चाहिए, अपनी लाइफ में मस्त मौज और इंजॉय में रहना चाहिए। चलें बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, बड़ा अच्छा उन्होंने पैगाम दिया है कि हुकूमत को चाहिए कि वो एक एक्शन लें। कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं और ये रियलिटी है। अब तो डर लगता है कि अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजें या ना भेजें क्योंकि मंशियात इतनी आम हो चुकी हैं, नशा और चीज़ें इतनी मिलना शुरू हो चुकी हैं कि बच्चे उस पर लग रहे हैं। तो व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और लोग हैं यहाँ पर बात करने वाले, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? तैयब। तैयब क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। आपका क्या नाम है? सुलेमान। क्या करते हैं सुलेमान? स्टडी करते हैं। आप बताएं अभी झूले लेने के लिए आए हैं या सारा जलानी पार्क विजिट करने आए हैं? झूले ले लिए, विजिट कर रहे हैं। झूले बैठने दिया किसी ने? नो। मैंने कहा नहीं कि आप तो बड़े हैं। बड़ों को झूले लेने मना। हाँ तो और क्या, कौन से वाला झूला लिया? सबसे खतरनाक लिया। कौन सा? कश्ती का। कश्ती झूला लिया है तो हाँ उसमें डर तो वैसे लगता है। तो आप मुझे बताएं जलानी पार्क आए हुए हैं तो हमने सोचा कि हम आपसे सवाल कर लें, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो गर्म करने पे जम जाती है?
जेली। अच्छा जेली चीनी वो तो ठंडा होने पे जमती है। गरम करने पर चीनी भी जम जाती है गरम करने पर? नहीं, नहीं जमती, मेल्ट हो जाती है वो तो। वो फिर बाद में जब वो लिक्विड बन जाती है ना, बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है मुझे। अच्छा बताएं, आपसे टंग ट्विस्टर के वाले थे, आपने बोला है कच्चा पपीता पका पपीता, लेकिन तेज तेज बोलना है। क्या बोला? कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पपीता। नो, हालांकि इतना स्लो बोल रहा था ये लड़का, आप करके दिखाएं। कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता। क्या पैगाम देना चाहेंगे दोनों? किस बारे में? किस बारे में? इस बारे में कि जलानी पार्क आए। जी यहाँ बहुत मजा आता है, मतलब कि काफी रौनक है यहाँ पे। कहीं आसपास ही रहते हैं आप लोग? नहीं, नहीं काफी। कहाँ से आए हैं? हम लालपुर से। कहाँ से? मुगलपुरे से। मुगलपुरा से आए हैं। अच्छा, तो सारे लड़के आए हैं सिर्फ? जी तीन। फैमिली के साथ नहीं आए हैं? नहीं, फैमिली के साथ नहीं आए। लाइफ के गोल्स क्या हैं? दोनों करना क्या चाहते हैं? बिजनेस। कौन सा बिजनेस? कोई भी। कोई भी? कोई तो आइडिया होगा कि कैसा बिजनेस करना है। पापा का बिजनेस, यही बात है बस। पापा का जो बिजनेस है, पापा अमीर होने चाहिए, है ना? आपने इनसे दोस्ती क्यों की है ये बताएं, इनके पापा अमीर हैं? तो इसलिए तो नहीं की ना। फिर नहीं कह रहे तो दोनों के? दोनों के पापा अमीर हैं। क्या बात है, अमीरों की फैमिली चल रही है, और ये पापा का बिजनेस लेके आगे जाएंगे और उनको कहेंगे पापा हम आपका नाम रोशन करेंगे, है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। चले, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं पाकिस्तान के बाहर? जोला चल रही है, बाहर ही जाना पड़ेगा। नो, तो बिजनेस तो वहाँ जाके नहीं, यहीं पे ही होगा। हो जाएगा, वहाँ पे भी करेंगे। जाना कहाँ चाहते हैं, किस मुल्क में जाना चाहते? दुबई। अच्छा, ये भी नहीं आइडिया, दोनों दोनों क्लूलेस हैं, दोनों को आइडिया नहीं। हमने करना गया है, जाना गया है, झूले लेने आ गए, कश्ती झूले पे बड़ा असर हो गया। टेंशन नहीं, नहीं उमड़ी नहीं हमारी, फिलहाल तो हम एंजॉय करते हैं। लगता है ऐसा कश्ती झूला लिया है कि दिमाग ही उल्टा हो गया। नो, डर नहीं लगता, हम खड़े हो कभी ले लेते हैं। डर नहीं लगता कभी? किसी से डर लगा है आपको? जी डर वालों से क्यों? अभी गलत काम ऐसा ना करे ना कि डर फुटा लगा गया है। घर वाले परेशान हो रहे होंगे? नहीं, उनको लगा एकेडमी गए हैं, पढ़ने गए हैं। मतलब माँ बाप बेचारे मेहनत कर कर के पैसा कमा कमा के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, ये आ जाते हैं ऐसे झूले लेने, वो भी कश्ती झूला, है ना? चले कोई बात नहीं, लेकिन झूठ नहीं बोलना, आप जाके उन्हें सच बता देना। पूछेंगे तो बता देंगे। पूछेंगे क्या, बताना जाके? वो तो खुद ही पता लग जाएगा उनको, क्योंकि अब तो उन्हें पता लग जाएगा। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, इन्जॉय करें। मेरा ख्याल है अब आप दोनों घर चले जाएं। जी जाते हैं। थैंक यू व्यूअर्स। इसी तरह जब ये उम्र होती है ना बच्चों की, तो इसमें बड़ी शरारत आती है, एकेडमी से बंक कर लिया, कॉलेज से, स्कूल से, तो नहीं करना चाहिए। माँ बाप बड़ी मेहनत से कमाते हैं, तो ऐसे बच्चों से गुजारिश है कि वो अपने पेरेंट्स को चीट ना करें। अगर कहीं जाने को दिल भी करता है तो कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स को मना लें, जिद कर लें, रो लें, ज़मीन पर गिर जाएँ, लेकिन माँ बाप को बता के जाएँ। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो इन्जॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी जुलानी पार्क, हमारा आजकल यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, और हमें बड़ी प्यारी फैमिलीज मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं। हमने आज उनसे सवाल किया, सवाल हमारा ये था वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो गर्म करने पर जम जाती है, तो इसका सही जवाब है अंडा। और दूसरा सवाल हमारा ये था कि तीन सेब हैं, उसको आप दो वालदा और दो बेटियों में कैसे तकसीम करेंगे, तो उसका सही जवाब है माँ, बेटी और नानी में। आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम हमेशा की तरह देखना नहीं भूलना, बूझो तो जीतो, जो मैं रात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इसके अलावा कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम दे सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, तो मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर हूँगी अगले एपिसोड में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।